श्याम डेयरी परिवार द्वारा सावन के महीने में एवं अपने दादाजी के पुण्यतिथि पर पार्थिव शिवलिंग की पूजा पूरे विधि विधान से की गई, जिसमें राम शर्मा, घनश्याम शर्मा, यदुनंदन शर्मा, दीपेश शर्मा, भानु पुरुषोत्तम, मोहित योगेश शर्मा उपस्थित रहे। शिव पुराण के अनुसार सावन के महीने में पार्थिव शिवलिंग की पूजा करने से व्यक्ति के जीवन में समस्त कष्ट दूर होकर सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। पार्थिव शिवलिंग की पूजा करने वाले शिव साधक के जीवन में अकाल मृत्यु का भय दूर हो जाता है एवं भगवान शिव के आशीर्वाद से धन्य धान, सुख समृद्धि और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इनकी पूजा से अंत में मोक्ष को प्राप्त होता है। सावन का महीना चल रहा है और यहाँ पर आपको बता रहे कि यहाँ अभी अभिषेक किया गया है शिव जी का, और हम इनसे पूछने कि आज जो पूरा कार्यक्रम रखा गया था किस उपलक्ष्य में रखा गया है। श्रावण मास का पवित्र महीना चल रहा है, आज सोमवार भी है और हमारे पूज्य पिताजी की पुण्य स्मृति में रुद्राभिषेक का आयोजन रखा गया। इसमें पार्थिव पूजा भी की गई है और अच्छी वर्षा के लिए रुद्राभिषेक का आयोजन रखा गया। सुख शांति और अच्छी वर्षा उसके लिए ये आयोजन हर वर्ष रखा जाता है। और श्रावण मास का महीना बहुत पवित्र होता है, इसमें विशेष महत्व है, जो इसमें पार्थिव पूजा की गई है विशेष। तो ये आप देख रहे हैं कि आज आपके दादाजी का स्मृति दिन भी है, इसको उस उपलक्ष्य में भी मना रहे हैं क्या? जी, पिताजी की पुण्य स्मृति में हर वर्ष अभिषेक तो होता ही है और पार्थिव पूजा का विशेष अभिषेक किया जाता है। नाम? यदुनंदन शर्मा। देखिए, यदुनंदन शर्मा जी ने बताया कि अभी सावन का महीना चल रहा है, प्रस्तुत मास से इस पूरे महीने में शिव जी की आराधना पूजन करने का कार्यक्रम होता है। इसी उपलक्ष्य में आज उन्होंने अपनी दादाजी की स्मृति में ये रुद्राभिषेक किया है और शिव जी की जो मूर्ति बनाई गई है इसका पूजन अर्चन किया गया है।